Hello everyone, myself पर दूसरे कंगना रनआउट पिछले हफ्ते मेरे फेसबुक पर श्वेता की फ्रेंड रिक्वेस्ट और मेरे फेस पर पिंपल आ गया, आप देख पा रहे होंगे इधर। हाँ, तो फिर मैं अपने गायनेक के पास गई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि ये तो स्किन प्रॉब्लम है। तो फिर मैं डॉक्टर राज के पास गई, पर उन्होंने बोला कि मैडम मैं तो डेंटिस्ट हूँ, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। भला ये भी कोई चीज होती है कि नाम से ही फेक लग रहा था। कुछ लोगों ने वैसे मुझे दवाइयां खाने के लिए भी बोला, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया क्योंकि मैं सिर्फ चौक खाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने दूसरा ऑप्शन ढूंढा, टीवी एड्स। वहां से मुझे पता चला कि बाथटब से निकलते हैं आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, लेकिन मैं जैसे ही बाथटब से निकली तो मेरा पिंपल तो गया नहीं, तो मेरे सारे कपड़े भी भीग गए थे। लेकिन इसके बाद मुझे इन टीवी एड्स का सारा स्कैम समझ में आ गया। अरे इनकी मॉडल्स फेस वॉश करने के बाद भी मेकअप पे ही निकलती है, और शैम्पू और विग लगाने से तो सबके हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि ये लोग इवॉल्व नहीं हुए हैं, पहले दीवारों पर पेंट के लिए शेड गार्ड होते थे, अब इन ब्रांड्स ने इंसानों के शेड गार्ड के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। लेकिन स्किन टाइप का क्या, अरे सबके बाल और खाल अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत मोटी चमड़ी की बनी हूँ क्योंकि मुझे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मार्केट में मेरे जितने भी सस्ते कॉपी घूम रहे हैं सबकी चमड़ी मोटी होगी। हाँ, उनकी बुद्धि मोटी हो सकती है। और तो और ये लोग स्टीरियोटाइप भी करते हैं, बोलते हैं जिसके कर्ली बाल होते हैं बहुत एरोगेंट होती है। मेरे बिहेवियर से लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ, और मेरी स्किन बहुत ऑयली, आप देख ही पा रहे होंगे। तो बोलते हैं मैं मिडिल ईस्ट से आई हूँ, कुछ भी बकवास करते हैं। खैर, इन्हीं सब वजह से तंग आकर अनलाइक माय नेचर मैंने काफी रिसर्च की, मैंने काफी ब्रांड्स को स्टडी भी किया। यस गाइस, मैं सिर्फ चेतन भगत नहीं पड़ती हूँ, एंड आई फाइनली फाउंड द ब्रांड व्हिच डजंट स्टीरियोटाइप। मैंने स्किन क्राफ्ट का वीडियो देखा, ये लोग आपके चॉइस के हिसाब से आपके स्किन टाइप और हेयर टाइप के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बिकॉज आई एम माई टाइप, तो मेरे लिए प्रोडक्ट्स भी अलग होने चाहिए ना। फाइनली मुझे मेरा टाइप मिल गया, क्योंकि मुझे तो वही लोग पसंद है जो हमेशा मेरी सुने। तो गाइस, आप भी स्किन क्राफ्ट का वीडियो देखो एंड ब्रेक दी स्टीरियोटाइप्स एंड बी #IAMMYTYPE।